मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। क्लास में हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, चैप्टर 7 पढ़ा था, इसमें कविता है काला कौवा और चैप्टर 7 का शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, मौखिक और लिखित, ये मैं करवा चुकी थी। और अब क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए, ठीक है। कविता में लिखा चुकी थी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कविता की अगली पंक्ति लिखिए, इसमें लिखना है और भाषा बोध है, मैं वो करवा देती हूँ, ठीक है। क्या है कौवा कैसा था? तो कैसा था, नीला, पीला, हरा, काला, कैसा था, तो वह कौवा कैसा होता है, तो काला होता है ना, तो यहाँ पे काला पे टिक लगाइए, बाकी सब जो है उसको कट कर दीजिए। इस हंस का रंग कैसा होता है, हंस का रंग कैसा होता है, काला गुलाबी लाल सफेद, कैसा होता है हंस का रंग, कैसा होता है, काला गुलाबी लाल सफेद, कैसा होता है, तो सफेद होता है, ठीक है। गौ थर्ड में है, कॉमिक कौवा कैसा था, तो कौवा काला था, हंस का रंग कैसा होता है, तो हंस का रंग सफेद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की अगली पंक्ति लिखिए, कौवे में है, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया, ठीक है, उसका अगला पंक्ति लिखना है। ख उजला हो सकता हूँ, क्या उजला हो सकता हूँ, साबुन से मैं अगर नहाऊं। गौ में खूब नहाया मगर न अपना काला
इसमें लिखना है, ये कविता मैं लिखा चुकी हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और गुसल खाने में मेरा साबुन लेकर भागा, ठीक है। अब भाषा की बात है, भाषा की बात, ठीक है। भाषा की बात में देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, पहले ऊपर दिए गए वाक्यों में उछल कूद करना और दौड़ना, ये सभी काम है। ये काम किसी न किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या है, जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिया पढ़ाया है व्याकरण के क्लास में, ठीक है। इसमें चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना नीचे पढ़ना लिखेंगे, यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है तो नीचे क्या लिखाएगा, खेलना। यहाँ हंसने की क्रिया हो रही है तो नीचे क्या लिखाएगा, हंसना, ठीक है। यहाँ सोने की क्रिया हो रही है तो यहाँ क्या होगा, सोना। यहाँ उड़ने की क्रिया हो रही है, देखिए अच्छे से, यहाँ उड़ने की क्रिया हो रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे उड़ने की क्रिया हो रही है तो क्या होगा, उड़ना। और यहाँ मछली तैर रही है तो तैरने की कौन सी क्रिया हो रही है, तैरने की क्रिया हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, तैरना, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब क्रिया है, ठीक है। इस काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है, लड़की खेल रही है तो यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है, लड़का हंस रहा है तो हंसने की क्रिया हो रही है, यहाँ लड़की सो रही है तो यहाँ सोने की क्रिया हो रही है, चिड़िया उड़ रही है तो यहाँ उड़ने की क्रिया हो रही है, और मछली तैर रही है तो यहाँ क्या, किस चीज़ की क्रिया हो रही है, तो तैरने की क्रिया हो रही है। पढ़िए समझिए और शब्द स्वयं लिखिए, एक शब्द स्वयं लिखिए। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए समझिए और एक शब्द पुलिंग, यहाँ पुलिंग और यहाँ स्त्रीलिंग, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो नर हंस क्या होगा, नर मादा हंस, नर कौवा, नर कौवा, यहाँ क्या होगा, मादा कौवा, ये हो गया। और बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बना, एक वचन बहुवचन बनाना, तो कौवा
फसल खाना। यहाँ एक वचन में मैं क्या बताई थी, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आए और वह शब्द पुल्लिंग हो तो उसमें एक की मात्रा लगा के बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पे कौवा जो है आ जो है आ की मात्रा है और कौवा पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ एक की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। तो कौ ए, ठीक है। गुसल खाना, इसमें भी आ की मात्रा लग है, आ की मात्रा है और गुसल खाना, गुसल खाना मतलब स्नान घर। तो गुसल खाना में हम लोग क्या, गुसल खाना गंदा है, गुसल खाना साफ है यानी गंदी है, साफ ये नहीं होगा। गुसल खाना पुल्लिंग शब्द है और इसमें ना की मात्रा लगा है, तो इसमें गुसल खाने एक की मात्रा लगा के बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक वचन में कौवा तो यहाँ कौए, और एक वचन में गुसल खाना तो यहाँ वो वचन क्या होगा, गुसल खाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। इसमें पढ़िए और इसमें है मिलते जुलते शब्द लिखना, ठीक है। यहाँ पे है उजला, तो उजला का उजला बुजला नहीं होगा, उजला ही होगा, जिस शब्द का मतलब हो वही चीज दिखाता है ना। उड़ते उड़ते, जिसमें उड़ते उड़ते ही रहेगा। गाते बजाते, घोड़ू धू चढ़ू उतरू, लास्ट में देखिए जो फर्स्ट इसमें रो हूँ, इसमें दीर्घ की मात्रा चंद्रबिंदु है, तो यहाँ धो हूँ, यहाँ भी चंद्रबिंदु लगा के दीर्घ ऊ है, ठीक है। चढ़ू उतरू आऊं जाऊं खोऊ पाऊ उठू बैठू, ठीक है। अब 4 में है, ये आप मिलते जुलते शब्द है तो ये कोई बात नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ 4 में कविता में संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। कविता में संज्ञा शब्द कौन कौन सा, यहाँ वस्तु प्राणी स्थान और भाव, ये संज्ञा है। इसमें वस्तु का नाम, इसमें
वस्तु का नाम लिखना है तो वस्तु का नाम क्या है? साबुन। साबुन वस्तु का नाम है ना। साबुन प्राणी, प्राणी में हंस और कौवा, हंस और कौवा और कौवा स्थान में नदी और गुसलखाना, ठीक है। नदी किनारे मतलब नदी स्थान हुआ ना गुसलखाना, गुसलखाना, ठीक है। और भाव में शर्माना, शर्माया और पछताया, ठीक है। वस्तु के नाम में साबुन है, इसमें एक ही है इसलिए मैं एक ही दी हूँ, कविता में सिर्फ एक है। साबुन वस्तु में, प्राणी में हंस और कौवा, स्थान में नदी गुसलखाना, भाव में शर्माया और पछताया, ठीक है। इस चैप्टर में मैं एक इस कविता के कवि का नाम नहीं लिख मैंने नहीं बता लिखाया है, वो मैं फिर से लिख देती हूँ। कविता के कवि कौन है तो हरिवंश राय वचन है, ठीक है। इस कविता के कवि हरिवंश राय समझ की बात है। कौवा और हंस में से किसी एक पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
और कक्षा में सुनाइए। तो आप ये आपका होमवर्क रहेगा, सोच समझ की बात में कौवा और हंस के बारे में आपको पांच पांच लाइन पांच वाक्य लिखना है, ठीक है। इसमें कौवा कैसा होता है, हंस कैसा होता है, ठीक है, कौवा कहाँ रहता है, हंस कहाँ रहता है, ये सब पांच वाक्य आपको लिखना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और पांच वाक्य लिखिए। और नीचे है कुछ करने के बाद सब चिड़ियों को एक जैसा बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पे चिड़िया का चित्र है, देखिए है ना, इसमें कलर नहीं किया हुआ है, ये आपको कलर करना है, ये आपके बुक में है इसलिए आप बुक में कीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है वो चिड़िया का पिक्चर बना के और उसको कलर कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, अब अगले क्लास में ये चैप्टर 7 है, अगले क्लास में चैप्टर 8 पढ़ाई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब आप अगले क्लास में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है।